हाउ यू ऑल डूइंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना जीन्स कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर अलग अलग कैटेगरीज के हॉल वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो मेरे पास ना लास्ट वन ईयर में काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो गया है जीन्स का। और उस कलेक्शन में से भी ना कुछ जीन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, प्लस मैंने कुछ न्यू जीन्स भी पिक की हैं। तो मैंने सोचा कि ना सारी जीन्स को मैं कंबाइन करके एक हॉल वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि अगर आपको भी जीन्स की शॉपिंग करनी होगी तो आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और गाइस, पता है कुछ जीन्स इसमें से अमेज़ॉन से हैं, कुछ अर्बैनिक से हैं और कुछ ऑफ ड्यूटी से हैं। तो अगर आपको इनसाइट से भी शॉपिंग करनी है तो भी आपके लिए ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक वार्डरोब एसेंशियल पीस से। बेसिक वार्डरोब एसेंशियल पीस है ये ब्लैक जीन्स। मैंने इसको बेसिक वार्डरोब एसेंशियल पीस इसलिए बोला क्योंकि गाइस, आप ना इससे बहुत सारे लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो ब्लैक पेयर ऑफ जीन्स से आप हज़ारों लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जीन्स पहन लें, कोई भी शर्ट टी शर्ट डाल लें और यू आर गुड टू गो। तो गाइज, मेरी जो ब्लैक पेयर ऑफ जीन्स है ना, इसको मैंने ऑफ ड्यूटी से लिया था। और जो इस जीन्स का स्टाइल है ना, वो है बूट कट। इसके नीज पर ना इस तरह से काफ़ी अच्छा ना डिस्ट्रेस इफेक्ट दिया हुआ है। मेरी मम्मी को ना बड़े बड़े डिस्ट्रेस इफेक्ट वाली जीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, ये भी मैंने उनसे दूर रह कर ली है, क्योंकि वो ये बोलती है यार, जब आपको फटे कपड़े लेने हैं तो फिर पैसे लगाने ही क्यों है। मतलब ठीक है यार, स्टाइल के लिए फैशन के लिए तो कर ही सकते हैं। एक मेरे पास ये जीन्स है जो डिस्ट्रेस इफेक्ट में, बाकी की सारी जीन्स ना आपको नॉर्मल दिखेंगी। इज अ परफेक्ट पेयर ऑफ ब्लैक जीन्स। इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, मैं इसको ऑलमोस्ट 6 to 7 months से यूज कर रही हूँ एंड इट फिट्स लाइक अ ड्रीम। इस तरह की बूट कट जीन्स ना मेरी बॉडी टाइप पर सच में बहुत ही ज़्यादा सही लगती हैं। तो गाइज, ये जीन्स तो एक विन विन प्रोडक्ट है। अगर आपको ब्लैक जीन्स में इन्वेस्ट करना है और बूट कट जीन्स लेनी है तो आप इस जीन्स को ना डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जब मैंने इस जीन्स को लिया था ना, तो इसका प्राइस अराउंड 1599 rupees था, बट अभी मैं देख रही थी तो अराउंड ये 1200 में आपको मिल जाएगी। सो गाइज, नेक्स्ट जीन्स है ये लाइट ब्लू कलर में, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक डिस्ट्रेस जीन्स है। इसके बारे में भी मेरी मम्मी को नहीं पता, क्योंकि अगर पता चला तो अच्छी खासी क्लास लग जाएगी यार। पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सही लगती है, इसका कलर कितना ज़्यादा सही है। इसको ना मैं अपने घर तो नहीं पहनूंगी, बट यहाँ तो पहन ही सकती हूँ यार। इस जीन्स का कलर बहुत ही ज़्यादा सही है। इस तरह की लाइट वॉश जीन्स ना यार बहुत ज़्यादा सही लगती है। आप अगर ब्लैक शर्ट के साथ या ब्लैक टी शर्ट के साथ इसको पहनेंगे, इसका लुक सच में बहुत ज़्यादा सही आएगा। अभी जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है ना, उसके साथ भी यार इस जीन्स का लुक बहुत ही ज़्यादा सही आता है। ये भी एक बूट कट जीन्स है। इसका जो डिस्ट्रेस इफेक्ट है ना यार, वो ना ऐसे पता नहीं चलेगा, मतलब बहुत कम कम दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े होल्स नहीं दिए हुए हैं। और ये वाला है ना, ये अच्छे से पॉकेट से कवर हो जाता है, जो पॉकेट का कपड़ा है ना नीचे, उससे अच्छे से कवर हो जाता है। और ये जीन्स भी सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगती है यार। ये भी एक बूट कट जीन्स है, बिकॉज आई लव बूट कट जीन्स, मेरी बॉडी पर सच में बहुत ज़्यादा सही लगती हैं। डेली वेयर के लिए मैंने इसको लिया था, और गाइस इसका फैब्रिक इसमें बहुत ही ज़्यादा सही है। इस जीन्स का जो प्राइस है वो है अराउंड 970 rupees, एंड मैंने इस जीन्स को ना अमेज़ॉन से पिक किया था। सो गाइज, नेक्स्ट जीन्स है ये डार्क ब्लू कलर में। डार्क ब्लू जीन्स भी यार काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल होती हैं, और मैंने अपनी डार्क ब्लू जीन्स को ना सरोजनी का मार्केट से पिक किया था। अब आप ये सोचेंगे कि जब मैंने इसको सरोजनी का मार्केट से पिक किया था तो मैंने इस हॉल वीडियो में इसको क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि गाइज मेरी एक कज़न सिस्टर है और उसको भी ये जीन्स सच में बहुत ज़्यादा सही लगी थी। इस जीन्स का जो स्टाइल है ना, वो रेट्रो बूट कट रेट्रो फ्लेयर्ड है, और इस तरह की रेट्रो जो जीन्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और उसको इसका स्टाइल सच में बहुत ज़्यादा सही लगा था। तो गाइज, पहले तो हम सरोजनी का मार्केट दोबारा गए, बट हमको सेम स्टाइल की जीन्स नहीं मिली। फिर मेरी सिस्टर ने ना हर जगह देखा उसको नेट पर, और फाइनली उसने सेम स्टाइल की जीन्स ना अर्बैनिक से और फ्रिकिंग से, दो जगह से उसने जीन्स ली, और दोनों ही जीन्स सच में बहुत ज़्यादा सही आई थी। मैंने उनका फैब्रिक और सब कुछ देखा है, और सच में काफ़ी ज़्यादा सही था। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर आपको भी रेट्रो बूट कट या रेट्रो फ्लेयर्ड जीन्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको मैं रिकमेंड कर देती हूँ। दोनों ही जो लिंक्स हैं ना, दोनों जीन्स की जो मेरी कज़न सिस्टर ने ली है, वो दोनों लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको सेम स्टाइल की जीन्स लेनी है तो।
नेक्स्ट जीन्स है ये ग्रे कलर में, ये एक स्ट्रेट फिट जीन्स है और इसको ना मैंने डेली वेयर के लिए लिया था। मुझे डेली वेयर में ना जीन्स पहनना पसंद है जब भी मैं बाहर जाती हूँ। तो गाइज ये जीन्स अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी, इसको ना मैंने अमेज़ॉन से पिक किया था और ये एक स्ट्रेट फिट जीन्स है और परफेक्ट चारकोल ग्रे कलर है इसका, आप देख सकते हैं। और गाइज इसका लुक सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। मैं वैसे स्ट्रेट फिट जीन्स ना एंकल लेंथ तक प्रेफर करती हूँ, बट इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसको फोल्ड करके पहनती हूँ। अगर आप चाहें तो ऑल्टर भी करा सकते हैं। वैसे मेरी हाइट ना 5'4" है, फिर भी ये थोड़ी सी लॉन्ग है और सच में ये जीन्स भी बहुत ज़्यादा सही है। और गाइज इसका प्राइस और भी ज़्यादा सही है, इसका प्राइस अराउंड 690 रुपीज़ था एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली वर्थ बाइंग। डेली वेयर के लिए अगर आपको जीन्स लेनी है ना तो आप इस ग्रे जीन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज अभी तक हमने जितनी भी जीन्स देखी ना वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा बेसिक और नॉर्मल कलर की थी, जैसे कि ब्लैक, ग्रे, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। ये सारी ना बहुत ज़्यादा बेसिक जीन्स थी जो आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए। अब ऐसी जीन्स की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो गाइज नेक्स्ट जीन्स है वो है ये ब्लैक एंड ग्रीन पैचवर्क जीन्स। ये जीन्स भी सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगती है। स्ट्रीट स्टाइल लुक्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो ये जीन्स सच में बहुत ज़्यादा सही रहेगी। ये जीन्स को ना मैंने अर्बैनिक से पिक किया था और इस जीन्स का जो प्राइस था ना वो था अराउंड 1100 रुपीज़ और इसकी क्वालिटी सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी। अर्बैनिक पर ना लिखा होगा कि ये जो जीन्स है वो फ्लेयर्ड है, बट मैं आपको बताऊं तो ये जीन्स ना स्ट्रेट फिट है, ये लूज है, ऊपर से नीचे तक पूरा लूज है, बट ये एक स्ट्रेट फिट जीन्स है और सच में ये जीन्स मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है। आप इस जीन्स से भी यार बहुत सारे फन लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने लुक्स के साथ तो आप इस तरह की कलर्ड जीन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरी सॉलिड कलर की नहीं है बट इस तरह की पैचवर्क जीन्स यार सच में बहुत ज़्यादा कूल लगती है। सो गाइज अब मूव करते हैं नेक्स्ट जीन्स की तरफ। नेक्स्ट जीन्स जो मैंने पिक की है वो है ये पिंक एंड वाइट कलर में। इस जीन्स को ना मैंने अपने बर्थडे आउटफिट में पहना था और ये जीन्स सच में काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी। मैंने ना कियारा का एक आउटफिट देखा था, उन्होंने उस आउटफिट में ना डुअल टोन की एक जीन्स पहनी हुई थी और वो जीन्स सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी। वो जीन्स से इंस्पायर्ड होके मैंने इस जीन्स को ना बैनिक से लिया था क्योंकि इसमें भी डुअल टोन है, आप देख सकते हैं। और गाइस सच में ये जीन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सही है। सारी की सारी जीन्स जितनी भी मैंने आपको दिखाई ना सारी की सारी जीन्स हाई वेस्टेड है और गाइस सच में ये बहुत ज़्यादा सही जीन्स है। अगर आपको भी डिफरेंट लुक्स क्रिएट करने हैं तो आप इस तरह की जीन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो प्राइस था ना वो था अराउंड 1200 रुपीज़ एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली वर्थ बाय। सो गाइज ये थी सारी की सारी जीन्स। आपको मेरे कलेक्शन में से कौन सी जीन्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गाइज ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, हॉल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।